हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे LDC असिस्टेंट लोको पायलट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से पूछा गया था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन थे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, SPAD स्पाड का पूर्ण रूप। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोको में AC ट्रैक्शन मोटर है? क्वेश्चन है, किस लोको में AC ट्रैक्शन मोटर है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WAG 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SA 9 से ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम ब्रेक प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 3 kg/cm², ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक पाठ सबसे पुराना है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, SCADA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एग्जीबिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोग्राफ का लोअरिंग एंड रेंजिंग समय से एडजस्ट करते हैं। पेंटोग्राफ का लोअरिंग रेंजिंग समय किससे एडजस्ट करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोटल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग 9 के लिए दो छोटे निरीक्षणों IA IB IC के बीच शेड्यूल अवधि कितने दिन का है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको लोको ब्रेक ब्लॉक से बने होते हैं। लोको ब्रेक ब्लॉक किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर DC मोटर है जिसका उपयोग लोकोमोटिव में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MCPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में 2024 के चुनावों द्वारा किस लोकसभा का गठन किया गया है? तो आंसर है 18वीं लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VCD का पूर्ण रूप क्या है? तो VCD का पूर्ण रूप क्या है? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 3 फेज लोकोमोटिव में सहायक कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको में कैब फैन को आने वाली सप्लाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 110 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में DDS का फुल फॉर्म क्या है? तो DDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, डायग्नोस्टिक डेटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोकोमोटिव में HB1 और HB2 क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्जिलरी क्यूबिकल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज लोकोमोटिव में, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खुले परिपथ का प्रतिरोध किसके बराबर होता है?
तो किसके बराबर होता है? अनंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन आदेश के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर नंबर एक, मानक फॉर्म एक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले वंदे भारत रेलगाड़ी की शुरुआत किस मार्ग पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली से वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी कंप्रेसर का स्विच कौन सा है? तो इसका आंसर है ZCPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? तो इसका आंसर है आसमानी नीला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो सही आंसर है एरावत। अब तक का भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो ये तो सेम क्वेश्चन है एरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-5 लोको में कितने MR टैंक लगे होते हैं? तो आंसर नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो सेंडिंग किस रिले के एनराइज होने पर होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Q48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG-9 लोको में कितने सहायक मोटर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16। अगला क्वेश्चन, EMF की इकाई क्या है? तो EMF की इकाई है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा पास की वैधता कितने दिन तक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UMID कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, उम्मीद कार्ड, जो कि हेल्थ के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में नाइट ड्यूटी शिफ्ट का समय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 से 6 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कल्हण। अगला क्वेश्चन है, लुकआउट ग्लास की सुरक्षा हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ईगल गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी कॉक का रंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरा। अगला क्वेश्चन है, WAG-5 लोको का एक साइड बियरर लोको का भार कितना होता है? आंसर नंबर ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1 GB कितने MB के इक्वल होता है? तो इसका जो मतलब जो सही आंसर होना चाहिए 1012, लेकिन ये क्वेश्चन पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा हटा दिया गया है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है 1024 MB, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB, ये सेम सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनेंस की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैंडला। अगला क्वेश्चन है, कुछ रेलगाड़ियां जिन्हें EMU कहा जाता है भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाती है, EMU में M का क्या मतलब है? तो M का क्या मतलब है? मल्टीपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में कितने कैफ फैन लगे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WG7 लोगों में कितने बैटरी बॉक्स होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संगठन रेलवे से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ONGC। अगला क्वेश्चन है, CCINV फ्यूज की रेटिंग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.25। अगला क्वेश्चन है, RDPT का फुल फॉर्म क्या है? RDPT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, रेड डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के बाद पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी CO2 टाइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र किस प्रकार के ईंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है क्लास बी और सी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब कैपेसिटेंस को समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन, ACTM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए AC ट्रैक्शन मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिजली का बल्ब टूटता है तो उसमें धमाका होता है किसकी वजह से? तो इसका सही आंसर है बल्ब के अंदर वैक्यूम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संविधान के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, अमेंडमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट का हिंदी अनुवाद क्या है? संशोधन। सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिजली झटके से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो इसका सही आंसर है कृत्रिम श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सेम क्वेश्चन है, ही प्रेफर्स टू लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक वाइल वर्किंग के लिए उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका आंसर नंबर बी, वह काम करते समय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, अगला है, प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस पाठ से लिया गया है? तो इसका आंसर आंसर नंबर ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूवी बराबर, ये मैथ क्वेश्चन है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 98 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ क्वेश्चन है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को, ये भी मैथ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 20% है, लागत मूल्य कितना होगा? तो सॉल्व करने के बाद लागत मूल्य 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है बहुभुज जिसकी भुजाओं की संख्या न्यूनतम होती है, तो कौन सी होती है? त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 512 का घनमूल, 512 का घनमूल कितना होता है? 8। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक वृत्त में स्पर्श रेखाओं की संख्या किसके बराबर होती है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान का लागत मूल 25, ये मैथ क्वेश्चन है, इसको अगर आप सब सॉल्व करें तो आंसर नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी CEO जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी जया वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात रेलवे की आय और व्यय संतुलन को परिभाषित करता है? तो कौन सा है? परिचालन अनुपात। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? तो इसका आंसर नंबर वे बिट। निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज लोकोमोटिव है? तो इसका सही आंसर है VVVF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी
एआर की कार्रवाई का सामना कर रहे रेलवे कर्मचारी द्वारा अपने बचाव के लिए वरीयता क्रम में कितने बचाव वकील दिए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक का शिलालेख पाया गया है? तो इसका सही आंसर है रूपनाथ, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच ओ ई आर के आधार पर कर्मचारी के वर्गीकरण की संख्या कितनी है? तो आंसर नंबर डी है 4। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर किस राज्य में पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई 2024 कैबिनेट में कृषि मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, रेलवे मंडल में कर्मचारी कल्याण मामलों के मंडल शाखा अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन होता है, सीनियर डीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अकबर दरबार के नौ रत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों की नियमित सेवा के बाद रेलवे में अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो आंसर है सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों में एसएल का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो कम गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज बैटरी की क्षमता को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो सही आंसर है दिए जा सकने वाले एम्पियर घंटा से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए 200 की मुद्रा पर कौन सा चित्र दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर है सांची का स्तूप, 200 में सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में TLC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर, TLC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिले किस डिवाइस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैर सुरक्षा श्रेणी के रेलवे कर्मचारी की आंखों में मायोपिया है तो उसकी आंख की रोशनी से किस लेंस से द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। रेलवे सेवा पास नियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन का हिंदी में अनुवाद, तो ट्रैक्शन का हिंदी अनुवाद क्या है, कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्शन का हिंदी अनुवाद क्या है, कर्षण। अगला क्वेश्चन है, लिटिगेशन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो इसका आंसर है मुकदमेबाजी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे लोको शब्दावली में प्रयुक्त HOG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है हेड ऑन जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपका कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीता को कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से लाया गया था? तो आंसर नंबर बी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में ALP और LP द्वारा पटरियों पर रेत लगाने का कार्य क्यों किया जाता है? तो आंसर नंबर सी एडिशन इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के तहत वैधता की शर्त यह है कि प्रतिरोध एक समान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो आंसर नंबर डी 20। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गोंडी।